ढोल गमार शुद्र पशु नारी है ताड़न के अधिकारी। ताड़न का मतलब पीटना है। हमारे बंतो जो हैं वे अधिकतर मठ में बैठ जाते हैं, वो निकलते ही नहीं है। पागल बनाने वाला चाहिए, पागल बनने वालों की कमी नहीं है। कि हमारे यहाँ पर कान के कच्चे और आंखों के अंधे लोग हैं, वो तो बहुत ड्रामेबाज आदमी, उससे ज्यादा तो ड्रामा करने वाला यहाँ संसार में पैदा ही नहीं हुआ कि इनको गुलाम कैसे बनाया जाए। वो तो गुलाम बनाने की नीति है उनकी हर तरीके से। अब सहारा बच्चा शेर है, सब जानता है, अब वो भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है जो पहले बहते थे। इतिहास में गड़बड़ हुई है, बिल्कुल पूरी गड़बड़ करी है, क्योंकि लिखने वाले यही थे, पढ़ने वाले यही थे। हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है। हो रहा है मेरठ की धरती पर, क्या संदेश है इसका, क्या मायने है इसके? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रेरणा के आधार पर जो आज ये भारत जो बौद्धमय होने जा रहा है, ये बाबा साहब की बदौलत। और बाबा अगर बौद्ध धर्म अगर स्थापित हो जाता है तो मानवता स्थापित हो जाएगी। अगर लोग इस बात को सुनेंगे ना कि आप कह रहे बौद्ध में होने जा रहा है भारत, तो आपको नहीं लगता है गलतफहमी है आप लोगों के? नहीं, बिल्कुल गलतफहमी है, हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। बौद्ध में तो आंकड़े नहीं है, भारत में कितने बौद्ध है इस देश में? देखिए दरअसल में ऐसा है, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का शिकार हुआ है भारत हमारा। जितने भी लोग यहाँ पर पैदा हुए हैं उन लोगों ने ब्रह्म में डाल डाल करके बौद्ध धर्म को जो ध्वस्त करने का काम किया है। सम्राट अशोक ने जितने भी स्तूप बनाए उन्होंने जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उनको परिवर्तन करके, और जो बुद्ध की प्रतिमाएं हैं उनको रंग रोगन करके उन्होंने देवी देवता बनाने का काम किया। तो आप लोग क्या कर रहे थे फिर जब वो इस काम को? नहीं, उसकी जानकारी इतनी नहीं थी जैसे आप सोशल मीडिया के काम कर रहे हैं। पहले ये मीडिया में तो कहीं आया ही नहीं, और मान लिया उत्तराखंड में हो रहा हो कोई काम या मतलब बिहार में हो रहा हो तो वो अखबार के माध्यम से अगर आता है तो जब भी जो जानकारी मिलेगी। जो बौद्ध भिक्षु थे वो क्या काम कर रहे हैं आजकल? भाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि वो अगर बौद्ध भंते जो है वो चारिका करें, वो धम फैलाएं। लेकिन यहाँ भी कुछ कमियां नजर आई हैं। हमारे बंतो जो हैं वे अधिकतर मठ में बैठ जाते हैं, वो निकलते ही नहीं है। अगर वो निकलते तो आज ये पूरा भारत, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म लिया था, उस टाइम 10 लाख अनुयायियों के साथ, तो आज तो पूरा भारत में भारत जो बौद्ध हो जाता। लेकिन वो भंतों की कमी रही है, क्योंकि ये आपके भंते मठ में बैठ रहे हैं और वो मेहनत कर रहे हैं गर्मी में, तो फिर उनका ही फायदा होगा। हाँ, उनका ही फायदा करा है, क्योंकि यहाँ भी कहीं ना कहीं जो हमारे बीच में भी जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था घर कर गई है, वो हम लोगों को भी निजी स्वार्थ के लिए जो है अपना पेट बढ़ाने के लिए। बहुत बनते ऐसे हैं जो मेरी संज्ञान में है, मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, बहुत बनते ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जनता से पैसा इकट्ठा कर 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 अपना घर चला। ठीक से बोलिए ना। नहीं नहीं, ऐसा तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारे धम पे जो ठप्पा लगेगा वो हम है, क्योंकि हमने देखा नहीं है। पतन हो गया भारत में आप कह रहे हैं? हाँ, ये पतन हो गया है, ये देन जो है, क्योंकि इस भारत देश में पागल बनाने वाला चाहिए, पागल बनने वालों की कमी नहीं है। ये पागल हम लोग पागल बने हैं, हम लोग जो हैं आस्था के शिकार हैं। आपको यकीन है कि ये बौद्ध राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा? बौद्ध राष्ट्र बनेगा। कैसे बनेगा बौद्ध राष्ट्र? बौद्ध राष्ट्र बनेगा, चल रहा है प्रेम जो है कार्यक्रम। अरे उधर पूरी तैयारी होगी हिंदू राष्ट्र की? देखिए उनके अब इस टाइम शासन चल रहा है, उनका शासन के हाथ में जो है बंदूक है, शासन के हाथ में सब कुछ, संविधान अब उनके हाथ में है, हमारा तो वजूद है नहीं। जिस दिन हमारा वजूद हो जाएगा उस दिन परिवर्तन कर देंगे। आपका वजूद आएगा लगता है? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। कैसे आएगा? अब देख रहे हैं आप कितनी पब्लिक है यहाँ पर, ये लाखों लोग जो आए हैं ये बौद्ध धर्म को मतलब प्रचार प्रसार के लिए तो आए हैं। अब ये जितने भी लोग आए हैं ये कम से कम एक आदमी कम से कम 20 आदमी या 50 आदमी से संपर्क बनाता है। कहा जाता है बहुजनों की आबादी 85% है, 100 में से 85 बहुजन है, कहाँ नजर है? नहीं देखिए इसमें जो है समन्वय की कमी रही है, हम लोग आपस में समन्वय नहीं बनाते, हम लोग नेतागिरी के चक्कर में टांग खिंचाई हमारे यहाँ ज्यादा है। और मैं अभी एक बात बताने जा रहा था कि हमारे यहाँ पर कान के कच्चे और आंखों के अंधे लोग हैं, यानी गलत बात दिमाग में जल्दी आती है, अच्छी बात जल्दी से नहीं आती है। तो आप लोगों को अगर हिंदू राष्ट्र की कल्पना हो रही है, तो साधु संत एक सपना देख रहे हैं, उससे आप लोगों को क्या दिक्कत है अम्बेडकरवादियों? दिक्कत ये है क्योंकि वो दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर रहे हैं, वो किसी मतलब कहने का वो हम नहीं, हमारे मुंह से नहीं अच्छा लगता है कि वो अपने वेदों के अनुसार, अपने किताबों के अनुसार, अपने पुस्तकों के अनुसार वो मुंह से बच्चे पैदा करके दिखा देते हैं, वे छाती से बजाओ से पैदा करके दिखाते हैं, वो पेट से पैदा करके दिखाते हैं, वो टांगों से पैदा करके दिखाते हैं।
तो ये जो कर्म के आधार पे मानते ना चीज, नहीं कर्म के आधार पे नहीं है। देखिए वो ऋग्वेद में सीधा सीधा लिखा है कि मुंह से जो ब्रह्मा पैदा मतलब पंडित पैदा हुए इससे, और छाती से छत्री पैदा हुए पेट से वैसे, और बाकी सब शूद्र है। तो ये तो किताबों में लिखा ना, तो अब उनका अस्तित्व थोड़ा ही है उन किताबों का, कोई मानता है? कौन कह रहा अस्तित्व नहीं है, ये तो जब से देश आजाद हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान बनाने के बाद में जो दिया उनको बाबा साहब ने कहा कि इसको चलाने वाले अगर अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा है, और अगर इसको चलाने वाले खराब होंगे तो संविधान खराब है। चलाने वाले तो देखे कितने अच्छे हैं प्रधानमंत्री जी, पिछड़े हैं देखिए। देखिए वो पिछड़े तो है ही नहीं, वो तो सब ये तो झूठ बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो बात बात में झूठ बोला है। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पर आए हैं। देखिए पांच पंच जहाँ उसे कहते हैं बुजुर्ग लोग, पांच पंच वहाँ परमेश्वर, ये तो पांचों में, पांच पंचों में अगर कोई गलत बोल जाता है तो उसको कहते थे कि बुखार आ जाएगा या मर जाएगा, लेकिन ये तो लाखों करोड़ों आदमियों में झूठ बोलते हैं। मोदी जी ये इनसे तो झूठा आदमी नहीं है। ये जितने भी संगठन यहाँ चल रहे हैं, इनके बजरंग दल हो या विश्व हिंदू परिषद हो या RSS हो, जितने भी संगठन है सब ये झूठ बोलने वाले हैं। देखिए पूरा परिवार छोड़ दिया देश के लिए उन्होंने, देखिए उन्होंने पूरा परिवार छोड़ दिया, उनका अपना एक रास्ता है कि हम इनको ध्वस्त करने, वो तो ध्वस्त करने के लिए आया है वो प्रधानमंत्री। अब देखिए अभी क्या चाहिए आपके लिए, रोते हैं आपके पैर धुलते हैं, और क्या चाहिए आपको? वो सब दिखावा है भाई साहब, वो दिखावा ड्रामा करता है, वो तो बहुत ड्रामेबाज आदमी, उससे ज्यादा तो ड्रामा करने वाला यहाँ संसार में पैदा ही नहीं हुआ, इतना बड़ा ड्रामा वो आदमी। पूरी दुनिया में वैसे डंका बज रहा उनका, कौन कह रहा पूरी दुनिया में डंका बज रहा, पूरी दुनिया उनको सलाम करती है। नहीं गलत, बिल्कुल गलत, आपकी बात गलत है भाई साहब। यहाँ मैं आपके, आप टीवी नहीं देखते? टीवी तो इनका ही है ना, चैनल बिके में है ना भाई साहब, पैसा ले रहे हैं, मोटा पैसा ले रहे हैं, वो तो सारे गुलाम है मोदी जी के कहने से, टीवी कहता है युद्ध रुक जाता है। ये सब बिल्कुल गलत बात है, ये अफवाह है, ये जो मतलब कहने का वो उसके हाथ में डोर है इनकी, वो जितना डोर खींचेगा उतनी पतंग उड़ेगी। ये तो मीडिया वाले पतंग हैं, और मीडिया नहीं जितने भी प्रशासन में लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज लोग सारे गुलाम हैं। के अंदर इतना संसद में कहा कि एक आलोचने करने वाला ठीक से एक आदमी नहीं मिला विपक्ष में 9 साल में, साथी आप में एक आदमी नहीं आलोचना करने वाला उनकी। आप देखिए आलोचना करने वाला अगर आलोचना करेगा तो जेल जाएगा, वो तो सीधा सीधा जेल का रास्ता देखेगा ना, उसे अपने बच्चे भी तो देखने हैं ना, उसे अपना बैग भी तो देखना, उसे अगर वो इस तरीके की आलोचना करेगा तो उसको तो तैयार बैठा। अरे सुनिए हमारे जो कई लोग, उन्होंने अभी कोरोना काल में कई लोग हमारे मराए अभी कोरोना में, जबकि वो मरने योग्य नहीं थे, जैसे कि हमारे क्या नाम उनका जो सम्यक प्रकाशन चलाते थे शांति स्वरूप बोध जी मारे गए, उनके साथी थे वो मारे गए, और तुम्हारे ये हमारा, अरे सर वो तो आपदा थी ना, छोड़िए। अरे नहीं आपदा कैसे नहीं थी, आपदा कहाँ थी, वो तो बिल्कुल ठीक थे। हमारे यहाँ कंकरखेड़ा निवासी हूँ मैं, वहाँ पर एक नौजवान आपसे भी बढ़िया तंदुरुस्त, उसे हल्का सा बुखार आया, वो मेडिकल में जाते ही जाते मर गया, उसने फोन करा खुद कि मुझे जल्दी से बचा लो, वो वहाँ जाते वो इतने पहुंचे इतने मर गया। मोदी जी इतने सही इतने गलत इंसान है तो फिर जनता क्यों प्यार कर रही है उनको? मैंने क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा है कि हमारे देश के अंदर कान के कच्चे आंखों के अंधे लोग हैं, यानी कि कान से सुनी हुई बात और आंखों मतलब आंखों से नहीं देखते ये लोग, ये शोध ही नहीं करते, दिमाग इनका दिमाग नहीं चलता, उनका दिमाग चलता है, वो तो हर संभव ये चाहते हैं कि इनको गुलाम कैसे बनाया जाए, वो तो गुलाम बनाने की नीति है उनकी हर तरीके से, साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाने का। विद्वान तो आपके समाज में भी कम नहीं है ना लोग? नहीं विद्वान है, लेकिन हमारे हमारे यहाँ तीन प्रकार के लोग होते हैं, बलवान धनवान और विद्वान। बलवान धनवान और विद्वान ये तीन दो प्रकार के लोग होते हैं, तो RSS का तख्ता हाल जाता है, वो उन पर शोध करना शुरू करते हैं, तो शोध करने के बाद में उसे देखते हैं कि इसको कैसे नस्तेदाबूत किया जाए। आपने हिला दिया, मोहन भागवत कह रहे जाति पंडितों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाई। तो ये तो मतलब कहने का मतलब मजबूर हो गया ना वो, क्या कहे कहने के पर मजबूर हुआ ना, अब से पहले तो नहीं कहा, और वो भी गलत कह रहा है, वो केवल हमें जो अपने फेवर में करने का की बात कही है उसने। वो धर्म ग्रंथों का विरोध कितना ठीक है हम लोगों का, ये रामचरितमानस का जो आप लोग विरोध कर रहे हैं ये कहां तक ठीक है? बिल्कुल सही है। क्यों ठीक है? इसलिए देखिए अब से पहले जब हम पढ़े, हमारी क्वालिफिकेशन जो है BA है, हमने जो हिंदी में पढ़ा, हमें जो समझाया अध्यापक ने, वो ताड़ना का अधिकार, ताड़ना का जो मतलब पीटने से ही है भाई, ताड़ना का मतलब ढोल पीटेगा तो तभी तो आवाज देगा, पशु को यानी
ढोल गमार शुद्र पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी, ताड़न का मतलब पीटना है, इन्हें जितना पीटा जाए उतना ये ठीक है। आज यही मतलब कहने का ये स्थिति पहले से इन लोगों के दिमाग में रही है। शिक्षा देना इसका मतलब आप गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये तो मोड़ना चाहते हैं लेकिन अब वो मुड़ेंगे नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें वो शक्ति दे दी है, शिक्षा वो शक्ति दे दी है। बाबा साहब ने कहा है शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाड़ेगा। अब हर बच्चा, हर आदमी हमारे यहाँ मतलब बलवान है, अब हर बच्चा शेर है, अब सब जानता है, अब वो भावनाओं में बहने वाली बात नहीं है जो पहले बहते थे। कहते हैं ये ग्रंथ एकजुट करते हैं सारे सनातनियों को। सनातनी आप भी तो सनातनी हैं। देखिए हम बोध हैं, हम परंपरागत बोध हैं, यो बौद्धों का देश है। तो बौद्ध भी तो हिंदुओं की इकाई। नहीं 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 नहीं, हिंदू बाद में आया है, हिंदू शब्द ही, हिंदू शब्द कब से आया? हिंदू तो मुसलमानों का थोपा शब्द है, फिर अंग्रेजों ने सिंधु। बुद्ध अवतार नहीं है विष्णु का? नहीं गलत बाप, तथागत बुद्ध ने कभी कहा ही नहीं कि कोई अवतार लेता है। तो फिर क्यों कहा जाता है विष्णु अवतार? अरे वो तो कहेंगे ना भाई साहब, अगर वो कहेंगे नहीं तो हम उनके साथ में कैसे जाएंगे, वो हमारी वोट कैसे लेंगे, वो इसी तरीके से तो आस्था इतिहास में गड़बड़ हुई है, बिल्कुल पूरी गड़बड़ करी है, क्योंकि लिखने वाले यही थे, पढ़ने वाले यही थे। हमें तो पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से पढ़े हैं। आज इस समाज में जो भी महिला है, हमारी बेटी बेटी बेटे समान है, हमारी जितनी भी आज यहाँ महिला है, चाहे ठकुराई ने, चाहे बामनी है, चाहे ब्राह्मणी है, मैं खास तौर से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितनी भी ब्राह्मण मतलब इस समाज यहाँ भारत के अंदर महिला है, अगर आज वो मतलब बोल रही है, आज वो अच्छा ढंग से जीवन जी रही है, आज वो अगर अधिकारी बन रही है, आज वो MP MLA या बन रही है, तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है।